जी इस वक्त आपको चले कि जैसे कि मुरीद के से जो है खान साहब के कंटेनर से आज तीसरा आज़ादी मार्च का तीसरा रोज़ जो है काफिला शुरू हो यहाँ से शुरू हो चुका है और तरीके इंसाफ के जो अरकीने हैं वो बहुत पुरजोश है। साबिक एम एन ए पीटीआई जो है डॉक्टर सिमी बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, से जानेंगे क्या कहेंगी डॉक्टर सिमी, क्या जज्बात है आपका तीसरा दिन है। देखें जो जो मंजिल करीब आती जा रही है, हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जज्बा जवान है, खान साहब के साथ पूरी कौम है, पूरी कौम इनके साथ है, इस वक्त पूरा पाकिस्तान उनके साथ है और इंशाल्लाह ताला मंजिल तक जब पहुंचेंगे तो पूरे देखेगी आप, दुनिया देखेगी कि कैसे लोग इमरान खान का साथ दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बाकी बिल्कुल पीछे जो है की आज़ादी का एक मान नजर आ रहा है जमे गफीर है, साथ साथ जो है तरीके इंसाफ की जो है सरगर्म कारकुन डॉक्टर अनीसा मौजूद है। डॉक्टर अनीसा क्या कहेंगी आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप देख रही हैं कल से, जब परसों से हमारा ये शुरू है, हर हर जहाँ जहाँ खान साहब रुक रहे हैं ना, जब मैं गफीर उसी इलाके से उन्होंने स्ट्रेटजी ये की है कि अब हर शहर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने इन गिरती हुई दीवारों को अब धक्का दे दिया है, इन चोरों लुटेरों का अब अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, अवाम का जम्मे गफीर है, उन्होंने फैसला दे दिया है। खान साहब 2023 में इंशाल्लाह 2/3 मेजोरिटी से आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है, लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, तरीके साफ भी कारकुनान भी मौजूद है और जैसे कि यहाँ पर जो है वो रश है बहुत ज्यादा और इस वक्त जो है ये काफिला मजीद जो है बढ़ता जा रहा है, आवाम का जोश जो है मजीद दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी